नमस्कार दोस्तों, लाइटनिंग माइंड चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन को ही LBB प्रोटेक्शन भी बोलते हैं और CB फेलियर प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, और ब्रेकर फेलियर रिले जो है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो जो टॉपिक है हमारा ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन, बेसिकली कुछ जगहों पर इस टॉपिक को बस बार प्रोटेक्शन के अंदर भी पढ़ा जाता है और कुछ जगहों पर इस टॉपिक को डिस्टेंस प्रोटेक्शन के अंदर भी पढ़ा जाता है। तो ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन बेसिकली दोनों में आता है, बस बार प्रोटेक्शन का भी क्योंकि एक पार्ट है और डिस्टेंस प्रोटेक्शन का भी एक पार्ट है। अभी हमने बस बार प्रोटेक्शन स्टार्ट नहीं किया है और जब हम बस बार प्रोटेक्शन की बात करेंगे वहां पर दोबारा से इस टॉपिक के बारे में कुछ चीजों के डिस्कशन करेंगे, जहां पर हम सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज बस बार में LBB प्रोटेक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसकी बात करेंगे। लेकिन जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, वो समझने के लिए हमारे पास, क्योंकि हमने डिस्टेंस प्रोटेक्शन का टॉपिक कवर कर लिया है, तो इसीलिए हम LBB प्रोटेक्शन को इस टाइम पर समझने के लिए, इस टाइम पर जो ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन है उसको समझने के लिए ज्यादा अनुकूल स्थिति में है। क्योंकि जो हम डिस्टेंस प्रोटेक्शन के अंदर जो बैकअप जोन्स की बात करते हैं, जोन 2 जोन 3 या रिवर्स जोन जोन 4, तो उसके साथ ही, मतलब जोन 2 और जोन 3 वाले जो हमारे बैकअप जोन्स होते हैं, इसके साथ LBB प्रोटेक्शन को पढ़ना या ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन को पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा तर्कसंगत होता है। इसका रीजन ये होता है कि जो जोन 2 और जोन 3 है, आपको पता है ये भी बैकअप जोन्स है प्रोटेक्शन के, और जो LBB है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, लोकल ब्रेकर बैकअप। तो लोकल ब्रेकर बैकअप, और अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें भी एक वर्ड आता है बैकअप, और यहाँ पर भी बैकअप है। तो इसके कारण से अभी हम देखेंगे कि LBB प्रोटेक्शन को या ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन को क्यों डिस्टेंस प्रोटेक्शन के साथ ही पढ़ना ज्यादा सही है, क्यों इसके कंसेप्ट को यहीं पर समझना ज्यादा अच्छा है। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन टॉपिक्स के साथ उन टॉपिक्स को समझ सकते हैं, उनसे अच्छे से अवगत हो सकते हैं। अगर आप पहले से इस चैनल पे हैं तो आपको पता ही है कि हम प्रोटेक्शन रिलेटेड टॉपिक्स जनरली हर वीक एक टॉपिक और किसी किसी वीक में दो टॉपिक लेकर के आते हैं, और उसी के अंतर्गत इस वीक में हम LBB प्रोटेक्शंस को कवर करेंगे, जिसे कि हम दो पार्ट में, दो सेशंस के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे इसको। फर्स्ट सेशन में हम कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे LBB प्रोटेक्शन से रिलेटेड, और सेकेंड सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे LBB प्रोटेक्शन इंप्लीमेंट किया जाता है 1.5 CB के अंदर एंड DMT स्कीम के अंदर। तो आइए अब बहुत ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन। और सेशन शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आज का जो ये सेशन प्रिपेयर किया गया है, ये ओपन सोर्स मटेरियल से लिया गया है। जो भी स्लाइड्स प्रिपेयर किए गए हैं वो इजीली जो मटेरियल्स अवेलेबल है, चाहे वो गूगल पे अवेलेबल हो, चाहे जो, मतलब मैं 2-3 बुक्स जो स्टार्टिंग से ही आप लोगों को बताता हुआ आ रहा, जो बुक मैं रेफर कर रहा हूँ, उन बुक्स से उठाए गए ये टॉपिक्स है और उसी से आज का सेशन प्रिपेयर किया हुआ है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे पहला है कि क्यों LBB या ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एम्स है और क्या ऑब्जेक्टिव है। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, पूरा ही फॉल्ट एनालिसिस का जो और प्रोटेक्शन सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या होता है, टू क्लियर द फॉल्ट विद मिनिमम टाइम डिले। मतलब अगर पूरे पावर सिस्टम में कहीं भी फॉल्ट है तो हमारा जो फॉल्ट है वो मिनिमम टाइम डिले में आइसोलेट होना चाहिए, जिसको कि हम कहते हैं आइडियली 0 मिलीसेकंड। लेकिन कुछ आपका 2 से 3 साइकिल्स जो है वो लगता है रिले का जो एल्गोरिदम होता है फॉल्ट सेंस करने के लिए, प्लस जो ब्रेकर ऑपरेट होगा और ऑपरेट होने के बाद फॉल्ट आइसोलेट करेगा, तो वो 2-3 साइकिल्स लेता है। और इस 2-3 साइकिल्स को हम 0 मिलीसेकंड कहते हैं। 0 मिलीसेकंड का मतलब क्या होता है कि नो इंटेंशनल टाइम डिले। पावर सिस्टम के अंदर 0 कुछ नहीं होता है, 0 का मतलब होता है कि हम इंटेंशनली कोई टाइम डिले इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, और हमने अपना सेटिंग 0 मिलीसेकंड रखा है। लेकिन फॉल्ट जो आइसोलेट होगा वो 2-3 साइकिल्स में होगा। दैट मीन्स 50 हर्ट्ज सिस्टम जो हमारा फॉल्ट आइसोलेट होगा वो होगा 40-60 मिलीसेकंड में। तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि टू क्लियर द फॉल्ट विद मिनिमम टाइम। और क्यों हम चाहते हैं मिनिमम टाइम में, क्योंकि आपको पता है जितनी देर फॉल्ट सिस्टम में रहेगा उतना ही सिस्टम को वो डैमेज करेगा, लार्ज स्केल डिसरप्शन हो सकता है, बहुत ज्यादा पावर सिस्टम में डैमेज होने के चांस है। और सेकेंड, मिनिमम डिसरप्शन टू द पावर सिस्टम। मिनिमम डिसरप्शन टू पावर सिस्टम का क्या मतलब है कि सपोज इस टाइप से हमारे पास एक सिस्टम है जो कि बहुत सारे उसमें एलिमेंट्स कनेक्टेड है, ये कोई सबस्टेशन A B C D है, और ये अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर हमारा कहीं
कहीं पे फॉल्ट आया है, तो हमारे जो प्रोटेक्शन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सिर्फ इस फॉल्टी सेक्शन को, मतलब जो बीसी है उसको ही सिर्फ आइसोलेट करे और बाकी सभी जो हमारा ये और ये है वो रनिंग में रहे। तो इसको कहते हैं मिनिमम डिसरप्शन टू द पावर सिस्टम। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है, फर्स्ट इज द मिनिमम टाइम डिले, सेकंड मिनिमम डिसरप्शन टू पावर सिस्टम। देन इसके लिए अब जो हमारे पास बैकअप्स होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है रिमोट बैकअप और दूसरा होता है लोकल बैकअप। अब रिमोट बैकअप और लोकल बैकअप क्या होता है ये हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारा है रिमोट बैकअप। रिमोट बैकअप बेसिकली जब हमने अपना फर्स्ट सेशन किया था, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं, डिस्टेंस प्रोटेक्शन का हमारा जो फर्स्ट सेशन है जहाँ पर डिस्टेंस प्रोटेक्शन के बेसिक कंसेप्ट्स की बात की गई है, डिस्टेंस प्रोटेक्शन बेसिक्स के, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है लेक्चर वन के अंदर। वहां पर कंप्लीट डिस्कस किया गया है कि जोन वन, जोन टू, जोन थ्री क्या होते हैं, कैसे इनके कोऑर्डिनेशन किया जाता है, कैसे इनके सेटिंग्स रखते हैं, कुछ टाइप से इनके टाइम डिले रखते हैं, ये सभी उसके अंदर हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पर जो हमारे जोन टू है और जो जोन थ्री है इसको कहते हैं रिमोट बैकअप। और क्यों कहते हैं वो देखिए, जैसा कि आपको पता है ये हमारा मान लीजिए कि एक ट्रांसमिशन लाइन है जो कि सबस्टेशन ए और बी के अंदर में है, सिमिलरली दूसरा ट्रांसमिशन लाइन सबस्टेशन बी और सबस्टेशन सी के अंदर में है, और तीसरा ट्रांसमिशन लाइन एक सबस्टेशन सी और उसके आगे के कुछ सबस्टेशन के बीच में हो सकता है। अब जो सबस्टेशन ए पर हमारी रिले लगी हुई है प्रोटेक्ट करने के लिए लाइन को, वो मान लीजिए आपकी है 21A। सिमिलरली 21 इज फॉर डिस्टेंस, जो कि आपको पहले बताया, ए जो है वो सबस्टेशन ए को डेजिग्नेट करेगा सबस्टेशन ए पर। सिमिलरली सबस्टेशन बी पर जो रिले लगा हुआ है वो है 21B, मतलब डिस्टेंस प्रोटेक्शन और सबस्टेशन बी। अब मान लीजिए कि कोई हमारा सबस्टेशन बी बी सी के बीच में जो लाइन है, इस लाइन पर हमारा कोई फॉल्ट आया, ठीक है। तो अभी इस लाइन पर अगर कोई फॉल्ट आया तो बेसिकली क्या होगा कि अगर इस लाइन के अंदर का फॉल्ट है तो आपके यहाँ से सबस्टेशन बी की प्रोटेक्टिव रिले ऑपरेट होनी चाहिए और सबस्टेशन सी पर भी एक प्रोटेक्टिव रिले होगी, वो दोनों ऑपरेट होंगे और इस ब्रेकर को और इस एंड के ब्रेकर को ओपन करेंगे और आपका फॉल्ट जो है वो आइसोलेट हो जाना चाहिए। अब मान लीजिए किसी कारण से इस एंड के ब्रेकर ने तो फॉल्ट आइसोलेट कर दिया है, बट इस साइड से आपका ब्रेकर ओपन नहीं हुआ, जो कि कोई भी रीजन हो सकता है। हो सकता है कि ये जो रिले है वो फॉल्ट सेंस नहीं कर पाया, हो सकता है रिले ने फॉल्ट सेंस किया बट रिले जो है वो ऑपरेट नहीं हुई, हो सकता है रिले ऑपरेट भी, फॉल्ट भी सेंस किया, रिले ऑपरेट भी हुई बट जो इसने ब्रेकर को कमांड दिया है वो ब्रेकर ओपन नहीं हुआ। तो बहुत सारे रीजन हो सकता है, इन बहुत सारे रीजन के कारण से मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेकर जो है वो सीबी फेल्स टू ओपन। अगर सीबी हमारा यहाँ से ओपन नहीं होता है तो इस केस में क्या होगा कि आपका फॉल्ट जो है वो कंटिन्यूस फीड होता रहेगा। अगर फॉल्ट कंटिन्यूस फीड होता रहेगा तो सिस्टम के लिए डैमेज होने, सिस्टम के लिए सही नहीं है। तो अब ये जो मैंने बिल्कुल फर्स्ट सेशन में जो लेक्चर की बात की थी वहां पर बताया था कि जोन वन होता है हमारा 80% ऑफ प्रिंसिपल लाइन, तो जो हमारा सबस्टेशन ए और बी के बीच में ट्रांसमिशन लाइन है, और यहाँ पर हमने जो 21A रिले लगाया हुआ है, इस 21A रिले का आपका जो हमारा ये आएगा 21A रिले का, जो 21A रिले का 80% ऑफ प्रिंसिपल लाइन लेंथ है वो जोन वन ए है, 120% और 150% डिपेंडिंग अपॉन आपका अगर नॉर्मल लाइन्स है कि एक ट्रांसमिशन लाइन से दूसरा ट्रांसमिशन लाइन, कोई पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन नहीं है या फिर लॉन्ग लाइन डजंट फॉलोड बाय शॉर्ट लाइन्स, तो उस केस में हमारा 120% ऑफ प्रिंसिपल लाइन्स होता है। अदरवाइज अलग अलग क्राइटेरियाज होता है, जो कि हमने पहले भी आपको बताया है कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं कि 150% या 100% ऑफ प्रिंसिपल लाइन प्लस 50% ऑफ एडजेसेंट शॉर्टेस्ट लाइन। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप से हमने जोन टू डिसाइड किया हुआ होता है, और फाइनली जोन थ्री जो कि रिमोट बस से लॉन्गेस्ट लाइन तक को कवर करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जोन वन जो है वो यहाँ तक के एरिया कवर कर रहा है, दैट मीन्स जोन वन इज 80% ऑफ प्रिंसिपल लाइन ए बी, जोन टू जो कि आपका 120% ऑफ प्रिंसिपल लाइन है, तो दैट मींस वो बी सबस्टेशन से थोड़ा आगे तक यहाँ तक कहीं रीच कर रहा है जो कि आपका है 120% ऑफ ए बी। एंड जोन थ्री वो आप देखेंगे तो वो है जो प्रिंसिपल लाइन है प्लस एडजेसेंट लॉन्गेस्ट लाइन है वहां तक को कवर कर रहा है। अब अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कहीं फॉल्ट आया है, यहाँ फॉल्ट आएगा तो क्या होगा, यहाँ की जो रिले है वो तो स्टार्ट होगी, ये रिले जो है उसने तो फॉल्ट सेंस करना ही है, यहाँ की रिले पिकअप होगी, साथ ही साथ जो यहाँ की रिले है, यहाँ की रिले के लिए वो फॉल्ट अगर आप देखें तो उसके जोन थ्री में आ रहा है, यहाँ की रिले का जो जोन थ्री है वो भी पिकअप होगा।
अब इस केस में अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ का रिले किसी भी कारण से रिले या पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम मतलब रिले या ब्रेकर किसी भी कारण से इस फॉल्ट को आइसोलेट करने में सक्षम नहीं है, फॉल्ट आइसोलेट नहीं कर पाती है, फॉल्ट आइसोलेट अगर नहीं कर पाती है तो उस केस में क्या होगा कि फाइनली जोन थ्री का जो भी आपका टाइम डिले है, जोन थ्री का टाइम डिले हमने आपको पहले ही बताया कि 1 सेकंड टू 1.5 सेकंड होता है, तो जोन थ्री के टाइम डिले के बाद यहाँ की जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन डिले है वो इस फॉल्ट को आइसोलेट करेगी। इस केस में डिसएडवांटेजेस क्या होता है, एक तो ये है कि आपका जो फॉल्ट है वो आइसोलेट होने के लिए टाइम चाहिए, मतलब जोन थ्री का जो टाइम डिले है उतना टाइम चाहिए, दैट मीन्स प्रोटेक्शन जो है वो स्लो हो जाता है। तो रिमोट बैकअप के अंदर आपका सबसे फर्स्ट तो क्या है कि प्रोटेक्शन जो है वो स्लो रहता है। दूसरा जो इसमें एक और चीज होता है कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत लिमिटेड होता है। एंड जो आपके एडवांटेजेज है, एडवांटेज ये है कि ये लोकल सिस्टम के कंडीशंस पर डिपेंडेंट नहीं होता है, दैट मींस कि अभी क्योंकि जोन थ्री जो है वो यहाँ के रिले के ऑपरेट होना है, और अगर मान लीजिए कि हम यहीं का ही बैकअप बना रहे तो हो सकता है कि यहाँ कहीं ब्रेकर में प्रॉब्लम है या इस रिले के कुछ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है तो आपको फॉल्ट आइसोलेट होगा ही नहीं। लेकिन अब क्योंकि वो लोकल सिस्टम से इंडिपेंडेंट है, एक रिमोट सिस्टम का अलग प्रोटेक्शन सिस्टम है वो इस फॉल्ट को देख रहा है, तो आपके लिए फॉल्ट आइसोलेट करना आसान हो जाता है क्योंकि ये लोकल सिस्टम कंडीशन पर डिपेंडेंट नहीं है। और दूसरा कि ये दोनों टाइप के फेलियर को टेक केयर करता है, मींस अगर आपका रिले फेल हुआ है या ब्रेकर फेल हुआ है, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन है तो आपका फॉल्ट यहां से तो आइसोलेट होगा नहीं, यहाँ का जोन थ्री जो है वो उसको आइसोलेट करेगा, जोन टू भी कर सकता है अगर मान लीजिए फॉल्ट यहाँ कहीं था और ब्रेकर फेल्स टू ओपन है तो जोन टू से होता, तो जो रिमोट बैकअप होता है वो आपको रिले फेलियर और सेमी फेलियर दोनों केस में काम आता है, और दूसरा लोकल कंडीशन पर इंडिपेंडेंट होता है। फिर नेक्स्ट आता है कि लोकल ब्रेकर बैकअप क्या होता है या लोकल बैकअप क्या होता है। लोकल बैकअप होता है, अभी हम आपको आगे के इसमें दिखाएंगे लोकल बैकअप जो होता है। लोकल बैकअप का बेसिकली जो एडवांटेजेज होता है, अगर मान लीजिए कि हमने यहीं पर यही सिस्टम बनाया है सेम, ये सबस्टेशन ए, सबस्टेशन बी और सबस्टेशन सी, ये हमारे पास तीन सबस्टेशन हो गया, और इसके बीच में मान लीजिए कि अभी यहां पर हमने एक रिले लगाया है, ये यहाँ की कोई रिले है, ये इस सबस्टेशन के यहाँ की कोई रिले है, और यहाँ पर ही एक और आप रिले लगा लीजिए जिसको कि कहते हैं ब्रेकर फेलियर रिले। अब लोकल बैकअप के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ कहीं पर फॉल्ट आया, अगर यहाँ कहीं पर फॉल्ट आया तो हमारे उसके साथ ही क्या होता है कि ये वाली प्रोटेक्शन रिले इधर की और यहाँ पर भी जो प्रोटेक्शन रिले होगी इस एंड पर वो प्रोटेक्शन रिले ऑपरेट होगी और यहाँ से इस फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट कर देगी दोनों एंड का ब्रेकर ओपन करते हुए, यहाँ का भी जो भी ब्रेकर होगा और यहाँ का जो भी ब्रेकर होगा दोनों ब्रेकर को ओपन करते हुए फॉल्ट आइसोलेट करेगी। अब मान लीजिए किसी कारण से इस एंड का प्रोटेक्शन जो है वो फेल हो गया है, मतलब इसने अपना ट्रिप कमांड दिया, रिले ऑपरेट हुई, ट्रिप कमांड दिया बट ब्रेकर जो है वो ओपन नहीं हुआ, उस केस में अगर हम यहीं पर ही कुछ एडिशनल सिस्टम इंप्लीमेंट करें, अब दो टाइप का हो सकता है। एक पहला कंडीशन क्या था कि रिले आपका फेल हुआ है, मान लीजिए कि फॉल्ट जो है रिले ने सेंस नहीं किया, अगर रिले फॉल्ट सेंस नहीं करता है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि एडिशनल रिले लगा सकते हैं, सेकेंड रिले लगा सकते हैं, और जो सेकेंड रिले है वो फॉल्ट को सेंस करके और आइसोलेट कर सकता है, उसको कहते हैं रिले बैकअप, जो कि आप लोगों को पता ही होगा जो भी लोग सबस्टेशन में काम करते हैं कि हम जनरली मेन वन एंड मेन टू करके दो रिले लगाते हैं, डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले, दोनों डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले ही होता है, दोनों ही सेम प्रिंसिपल पर काम करता है, जनरली दो अलग अलग मैन्युफैक्चरर के हो सकते हैं, जिससे कि मतलब ये मान के चलते हैं कि एल्गोरिदम वाइज ऐसा हो सकता है कि अगर एक ने फॉल्ट सेंस नहीं किया किसी कारणवश तो दूसरा जो है फॉल्ट सेंस करे, वो तो एक चीज हो सकता है जिसको कहते हैं रिले बैकअप। दूसरा ये हो सकता है कि रिले ने ट्रिपिंग कमांड दिया है, रिले इश्यू ट्रिप कमांड, बट ब्रेकर फेल्स टू ट्रिप, ब्रेकर जो है वो ओपन नहीं हुआ, सीबी नॉट ओपन, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि सीबी के अंदर कोई जो ट्रिपिंग कॉइल्स है उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, ट्रिपिंग कॉइल्स ऑफ सीबी उसको डुप्लीकेट करते हैं, और ये भी आप लोगों को पता ही है कि हम ब्रेकर में डबल ट्रिप कॉइल रखते हैं कि अगर एक फेल हो जाए किसी कारण से तो सेकेंड ट्रिप कॉइल जो है वो फॉल्ट को आइसोलेट कर सके, तो उसको कहते हैं ब्रेकर एंड पर डुप्लीकेट करना। थर्ड ऑप्शन होता है कि जो हम ब्रेकर फेलियर के रिले लगाते हैं, ब्रेकर फेलियर रिले कैसे काम करता है वो हम आगे की स्लाइड में देखते हैं, लेकिन इस टाइप से तीन अलग अलग ऑप्शन होते हैं, रिले बैकअप, ब्रेकर के अंदर का बैकअप एंड थर्ड
ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन एक सेपरेट प्रोटेक्शन। एडवांटेज क्या होता है कि फास्ट प्रोटेक्शन होता है, सेंसिटिविटी इंप्रूव होता है, और नेटवर्क में जो डिसरप्शन होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि आप जो भी बैकअप लगा रहे हैं लोकल, उसका मेन पर्पज ये है कि सिर्फ इस सेक्शन को ही, फॉल्टी सेक्शन को ही आइसोलेट करें। बट डिसएडवांटेज क्या है, मे बी अफेक्टेड बाय लोकल कंडीशंस, मतलब ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए जिस कारण से ये मेन वन रिले ने फॉल्ट नहीं सेंस किया है, उसी सेम कारण से मेन टू रिले भी फॉल्ट ना सेंस करे, तो आपका सारा काम ही खत्म हो गया, दोनों रिले लगाने से कोई आउटपुट नहीं निकला। सेकेंड चीज ये हो सकता है कि एक्सीडेंटल ऑपरेशन के चांसेस है, कि किसी कारण से मान लीजिए कि कोई काम कर रहे, कोई मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, और आपके एक्सीडेंटल ऑपरेशन के कारण से ट्रिपिंग हो जाए। इन दो कारण से जो हम आगे के सेशंस में देखेंगे कि लोकल बैकअप ब्रेकर या ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन एक सेपरेट प्रोटेक्शन कैसे यूज करते हैं। अब दो कंसेप्ट आता है, एक होता है सिक्योरिटी, दूसरा होता है डिपेंडेबिलिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है नो अनवांटेड ऑपरेशंस, दैट मींस कि अगर मान लीजिए कि आपका नॉर्मल सिस्टम इस टाइप से है, तीन हमारे पास सबस्टेशन है और उसके बीच में लाइनें कनेक्टेड है, तो अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो हमारा ये लाइन और यहाँ की जो भी लाइन है उसमें पावर फ्लो मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोड बढ़ा यहाँ पर और लोड के चेंजेज होने के साथ ही हमारे जो है लाइनें ट्रिप हो जाए, तो उसको कहते हैं नो अनवांटेड ऑपरेशंस, के नॉर्मल कंडीशंस में कोई अनवांटेड ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए और सिस्टम जो है वो हेल्दी रहना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए पावर फ्लो को, तो उसको कहते हैं सिक्योरिटी। और डिपेंडेबिलिटी कि जब ऑपरेट होना है, जब भी फॉल्ट आया है और हमें चाहिए कि सिस्टम को ऑपरेट होना है तो उस टाइम पर ऑपरेट हो, मीन्स अगर सपोज यहाँ पर फॉल्ट आया और उस टाइम पर हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम ऑपरेट करे तो ऑपरेट होना चाहिए, और उसको कहते हैं डिपेंडेबिलिटी। क्यों ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पावर सिस्टम पर आपका ऐसा तो है नहीं कि हमेशा हर 10 मिनट पे, हर एक घंटे पे, आधे घंटे पे फॉल्ट आता रहेगा, फॉल्ट कभी कभार आते हैं। अब मान लीजिए कि एक साल बाद सिस्टम में फॉल्ट आया, तो ऐसा ना हो कि हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम अब एक साल बाद फॉल्ट आया तो ऑपरेट करने की कंडीशन में ही ना हो, तो इसीलिए सिस्टम सिक्योर भी होना चाहिए और डिपेंडेबल भी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट होता है कि जो अभी मैं लास्ट स्लाइड में भी बात कर रहा था कि जो लोकल बैकअप होते हैं वो हम दो टाइप के इंट्रोड्यूस करते हैं, एक होता है रिले बैकअप और दूसरा होता है ब्रेकर बैकअप। तो रिले बैकअप के अंदर इसका जो ये होता है उसमें था प्रोविजन ऑफ डुप्लीकेट मेन प्रोटेक्शन स्कीम्स, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया था, मेन वन एंड मेन टू प्रोटेक्शन। सेकेंड होता है ब्रेकर बैकअप, लेकिन ब्रेकर बैकअप का मतलब क्या कि हम ब्रेकर को डुप्लीकेट नहीं करते। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि हम डबल डबल ब्रेकर लगा देते हैं एक ही फीडर के लिए या एक उसके लिए। हम 1.5 CV स्कीम की बात करेंगे, वहां पर मतलब कुछ लोग बोल सकते हैं कि डबल ब्रेकर्स होता है, बट वो डबल ब्रेकर अलग चीज है, उसका कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। हम यहाँ पे डबल ब्रेकर की बात ये कर रहे हैं कि हम दो पैरेलल ब्रेकर्स नहीं लगा देंगे कि अगर ये नहीं खुला तो ये खुल जाएगा और फॉल्ट हमारा आइसोलेट कर लेगा, मतलब दो पैरेलल दो सीरीज ब्रेकर्स हम इस टाइप से नहीं लगा देंगे कि अगर सपोज ये नहीं खुला तो ये खुल गया और फॉल्ट आइसोलेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो हम जनरली ब्रेकर्स डुप्लीकेट नहीं करते हैं। हम क्या डुप्लीकेट करते हैं, हम डुप्लीकेट करते हैं ट्रिप कॉइल्स को, तो वी डुप्लीकेट ट्रिप कॉइल्स। लेकिन ट्रिप कॉइल को डुप्लीकेट करने के बावजूद भी प्रॉब्लम्स क्या होता है कि आपका जो फिजिकल मैकेनिज्म है वो कॉमन रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रिप कॉइल डबल कर दिया तो मैकेनिज्म भी डबल हो गया, मीन्स आपका जो ब्रेकर का ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, जो हमारे सीबी का ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, अब सीबी के ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं आपका, हो सकता है स्प्रिंग हो सकता है स्प्रिंग न्यूमेटिक हो, तो हमारा सेकेंड केस भी हो सकता है स्प्रिंग न्यूमेटिक हो, तो या हाइड्रोलिक ऑपरेटेड ब्रेकर हो, तो जो भी इस टाइप के ब्रेकर्स होंगे उसके मैकेनिज्म कॉमन होते हैं। ऐसा नहीं है कि दो ट्रिप कॉइल लगाए तो हम डबल ऑपरेटिंग मैकेनिज्म रखते हैं, नहीं, एक हमारे पास अगर ये वाला ब्रेकर है और इस ब्रेकर को कंट्रोल करने के लिए आप देखेंगे तो नीचे एक सिंगल मैकेनिज्म बॉक्स होता है, तो ये सिंगल मैकेनिज्म बॉक्स होगा और उससे सिंगल एक पुल रोड इस टाइप से कुछ जा रहा होगा जो कि ब्रेकर का ऑपरेट करने के लिए काम आते हैं। ब्रेकर के दो इंटरप्टर हो गए, अगर 400 केवी वाले ब्रेकर की बात करते हैं तो इस टाइप से ये हमारे दो इंटरप्टर्स हो गए और ये एक सिंगल ऑपरेटिंग रॉड होगा जो कि एक सिंगल ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के थ्रू कनेक्टेड रहता है, तो एक कॉमन मैकेनिज्म हो सकता है। अब हो सकता है कि ये मैकेनिज्म ही फेल हो जाए तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, हो सकता है कि पुल रोड जो है ये ब्रेक हो जाए तो इस केस में भी आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता है। तो इन सभी चीजों के कारण से कि चाहे हम रिले बैकअप कर लें, चाहे हम ब्रेकर के बैकअप बना लें, हमारा जो प्रॉब्लम है लोकल बैकअप का वो सॉल्व नहीं होता है, और इसीलिए फाइनली आता है ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन। ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन का मेन एडवांटेज क्या होता है कि ये जो होता है ये यूज टू बैक ट्रिप फॉल्ट इन फील्ड इन केस ऑफ लोकल ब्रेकर फेलियर। मतलब आपके लोकल एंड पर सपोज कर लीजिए कि अभी हमने रिले तो बैकअप कर दिया है, ब्रेकर का भी बैकअप बना लिया, हमने डबल ट्रिप कॉइल वगैरह सब लगा दिया है, लेकिन उसके बाद भी किसी कारण से फॉल्ट आइसोलेट नहीं हुआ, तो इस केस में जो
ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन होता है, ये क्या करता है कि अब जहां जहां से वो फॉल्ट फीड हो सकता है, जो हमारा फॉल्ट जहां जहां से फीड होगा उन सभी पॉइंट को डिस्कनेक्ट कर देता है। और जो एलवीडी प्रोटेक्शन होता है ये इनिशिएट होता है तभी जब हमारा ट्रिपिंग सिस्टम में अकर हुआ है, इसी को कभी कभी स्टक ब्रेकर प्रोटेक्शन या बैक ट्रिपिंग प्रोटेक्शन भी कहते हैं। तो अब कि ये लोकल ब्रेकर प्रोटेक्शन होता क्या है, अगर आप देखें एक बहुत ही सिंपल सिस्टम मैंने बनाया है, ये एक बस बार है, इस बस बार के ऊपर बहुत सारे फीडर्स हैं, ए बी सी डी ई, इस टाइप से पांच फीडर्स कनेक्टेड है। और अब मान लीजिए कि हमारे पास इस पांच फीडर्स में से ये जो एक फीडर ए है, इस फीडर की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर ये इसका प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है और इस ए फीडर में कहीं पर फॉल्ट आया, ए फीडर में अगर फॉल्ट आया तो यहाँ की प्रोटेक्शन सिस्टम जो है इस फॉल्ट को सेंस करेगा, और इस फॉल्ट को सेंस करने के बाद वो इस ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड इश्यू करेगा, और अगर सब कुछ नॉर्मल है तो हमारा फॉल्ट जो है वो आइसोलेट हो जाना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए कि इस रिले ने फॉल्ट सेंस किया, फॉल्ट सेंस करने के बाद इसने ट्रिपिंग कमांड इश्यू किया बट ब्रेकर जो है वो ओपन नहीं हुआ किसी भी कारण से, तो अब क्या होगा, फॉल्ट हमारा कंटिन्यूस चलता रहेगा। अगर फॉल्ट कंटिन्यूस चलता रहेगा तो इस फॉल्ट को ये फीड करेगा, ये भी इस फॉल्ट को ऐसे फीड कर रहा होगा, ये फीडर भी इस टाइप से इस फॉल्ट को फीड कर रहा होगा, और ये जो है ये भी इस फॉल्ट को इस टाइप से फीड कर रहा होगा। तो आपके ये चारों फीडर्स है डी ई बी और सी, वो कंटिन्यूसली इस फॉल्ट को फीड कर रहा होगा, और सिस्टम में जो मतलब वाइड स्प्रेड डिस्टर्बेंसेज है उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके लिए जो लोकल बैकअप ब्रेकर प्रोटेक्शन होता है, ये ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन होता है, वो क्या करेगा कि सबसे पहले जितने भी आपके कनेक्टेड ब्रेकर्स है, जो कि मतलब यहाँ पर हमारे इससे कनेक्टेड जो फॉल्ट को फीड कर रहे हैं, उन सभी को ट्रिप कर देता है। तो सबसे पहले जैसे इसको पता चला कि ये ब्रेकर फेल्स टू ओपन, ये क्या करेगा, एक ट्रिप कमांड इश्यू करेगा इस ब्रेकर को, इस ब्रेकर को, इस ब्रेकर को और इस ब्रेकर को, इसको कहते हैं बैक ट्रिप। बैक ट्रिप मीन्स कि जो जो फॉल्ट को फीड कर रहा था उन सभी को हम ट्रिप करवा रहे हैं, ये बैक फीड कर रहे थे फॉल्ट को और इन सभी को हमने ट्रिप करवा दिया। सेकंड थिंग कि हो सकता है कि अभी आपका जो फॉल्ट आया था उसके बाद कि ये लाइन अभी रिमोट एंड से भी ट्रिप नहीं हुई, तो इसके लिए आपको रिमोट एंड से भी फॉल्ट को आइसोलेट करना है, तो उसको रिमोट एंड पे भी एक सिग्नल सेंड करते हैं, उसको कहते हैं इंटर ट्रिप। तो बैक ट्रिप और इंटर ट्रिप दो मेन कंसेप्ट होते हैं, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, ब्रेकर ए फेल्स टू क्लियर द फॉल्ट, सर्किट ब्रेकर बी सी डी ई मस्ट बी साइमल्टेनियसली ट्रिप टू क्लियर द फॉल्ट लोकली। तो आप बी डी E और C को एक साथ ट्रिपिंग कमांड इश्यू करेंगे, आपका फॉल्ट लोकली आइसोलेट हो जाएगा। लेकिन अभी लोकली आइसोलेट हो गया बट हो सकता है कि रिमोट एंड से अभी भी फॉल्ट फीड चल रहा हो, इसके लिए रिमोट एंड को भी इंटर ट्रिप सिग्नल सेंड करते हैं, तो उसको कहते हैं रिमोट एंड सर्किट ब्रेकर शुड बी डायरेक्टली ट्रिप टू प्रिवेंट द फॉल्ट बीइंग फेड इफ इट हैज ऑलरेडी बीन ओपन। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं ये होता है सीबी फेल प्रोटेक्शन स्कीम का और ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन स्कीम की जो हम बात कर रहे हैं उसका। अब यहां तक का जो सेशन है इसमें हमने बेसिक चीजें देखी है, अब एक चीज यहां पर आता है कि एलवीडी प्रोटेक्शन काम कैसे करेगा। काम ये स्टेप से करता है कि जब हमारा यहां पर ये जो मेन प्रोटेक्शन है इसी के साथ हमने एक प्रोटेक्शन यहां पर हम और लगा के रखते हैं, इसको बोलते हैं एलवीडी और ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन और एलवीडी प्रोटेक्शन और 50 BF प्रोटेक्शन। अब क्या है कि जब हमारा मेन प्रोटेक्शन जिस टाइम पर फॉल्ट सेंस करता है और मेन प्रोटेक्शन जब ऑपरेट होता है, मेन प्रोटेक्शन जैसे ही ऑपरेट होगा तो ऑपरेट होने के साथ ही ये इसको एक सिग्नल सेंड करता है, मतलब प्रोटेक्शन ऑपरेटेड करके, मेन प्रोटेक्शन ऑपरेटेड, और ये जो मेन प्रोटेक्शन ऑपरेटेड सिग्नल इसको सेंड करता है उसको कहते हैं एलवीबी इनिशिएशन। तो इसने इसको एलवीबी इनिशिएशन सेंड किया, इस LBB इनिशिएशन के साथ LBB का जो टाइमर होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अब LBB का टाइमर कंटिन्यूअस टाइम काउंट कर रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से ये काउंट कर रहा है 100 मिलीसेकंड तक। अब इस 100 मिलीसेकंड में अगर मान लीजिए जब मेन प्रोटेक्शन ऑपरेट हुआ, सब कुछ ठीक है और ब्रेकर हमारा ओपन हो गया, तो क्या होगा, इसके अंदर जो करंट है I वो जीरो हो जाएगा। दूसरा केस हो सकता है, मेन प्रोटेक्शन ऑपरेट किया, इसको इनिशिएशन आ गया लेकिन मेन प्रोटेक्शन ने जब ट्रिप कमांड दिया तो ये ब्रेकर ओपन नहीं हुआ, इस केस में करंट जीरो नहीं होगा। अगर करंट जीरो नहीं होगा तो एलवीबी प्रोटेक्शन सबसे फर्स्ट क्या करेगा, जिसको कहते हैं ट्रिप रिपीट, P1 टाइम ट्रिप रिपीट, तो आफ्टर 100 मिलीसेकंड ये सेम ब्रेकर को दोबारा से ट्रिप कमांड इश्यू करेगा, तो सेम सीबी
सेम ब्रेकर को दोबारा से ट्रिप कमांड इशू करेगा। वापस हमारा टाइमर अभी चल ही रहा था 100 से आगे, 101, 102 इस टाइप से, अब ये 200 तक देखेगा। अब अगर इस टाइम पर करंट जीरो हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अभी भी करंट जीरो नहीं हुआ तो अब ये सिंपली क्या करेगा, जितने भी फॉल्ट फीड करने वाले पॉइंट्स हैं उन सभी को ट्रिप कर देगा। तो जब इन अपने लोकल ब्रेकर्स को ट्रिप करेगा उसको कहते हैं बैक ट्रिप, जब रिमोट ब्रेकर को ट्रिप करता है तो उसको कहते हैं इंटर ट्रिप। और ये जो सेकंड टाइम्स होता है टाइम हुआ है, जैसे पहला टाइम था T1 ट्रिप रिपीट, वैसे दूसरा टाइम T2, इसको कहते हैं बैक ट्रिप टाइम या LBB ऑपरेट टाइम। तो जो ये फर्स्ट सेशन था इसमें बेसिकली हमने कंसेप्ट देखा है LBB प्रोटेक्शन की, क्या कंसेप्ट होते हैं और लोकल जो हमारे बैकअप है वो क्या होता है, रिमोट बैकअप क्या चीज होता है, रिले बैकअप क्या होता है, ब्रेकर बैकअप क्या होता है। होपफुली जो भी कंसेप्ट आज के सेशन में बताया गया है ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि 1.5 ब्रेकर स्कीम के अंदर कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है LBB प्रोटेक्शन को, और फिर हम बात करेंगे कि DMT स्कीम में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है हमारे LBB प्रोटेक्शन को। आज के सेशन में जो भी टॉपिक बताया गया है होपफुली आपको क्लियर होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद हो तो कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में अवगत करिए ताकि वो इन सब कंसेप्ट को सीख सके। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नजर आता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट आने वाले सेशंस में और उसे इम्प्रूव करके और अच्छे क्वालिटीज के वीडियोज और अच्छे सेशंस क्रिएट कर सके। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी LBB प्रोटेक्शन के पार्ट 2 के साथ। बाय बाय।